प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के दौरान राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ में देखा गया था कि राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रदेश के कई जिलों में जमीनों का उचित होगा, यहां तो जमीन अलॉट तक नहीं की जा सकी, तो वहीं इसको लेकर के जो पत्र नहीं था उसे भी अलॉट किया गया। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में तो है ही, तो वहीं विधानसभा में भी उछल चुका है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अलवर में राजगढ़ उपखंड का टहला क्षेत्र राष्ट्रीय भाग अभयारण्य सरिस्का से लगता हुआ इलाका रिसोर्ट और होटलों के लिए मुफीद जगह। अलवर ही नहीं, देश विदेश के लोग यहां जमीन खरीदना चाहते हैं ताकि सरिस्का के नजदीक बड़े होटल और रिसोर्ट बनाए जा सकें। सरकार के अभियान का फायदा उठाते हुए अप्रैल 2022 में राजगढ़ SDM केशव कुमार मीणा ने 14 ग्राम पंचायतों में 789 आवंटन किए। आवंटन किए जाने वाले पत्र का क्रमांक 7493 था, लेकिन SDM के पत्र क्रमांक 7494 में ग्राम पंचायत बिघोता में 14 आवंटन करने का एक आदेश जारी हुआ। गजब ये कि इसी पत्र क्रमांक से एक और पत्र जारी हुआ जिसमें नया गांव बोलका ग्राम पंचायत को जोड़कर कुल आवंटन की संख्या को 24 कर दिया गया और ये कहा गया कि सभी आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है। 4 अप्रैल के इस पत्र के बाद 8 अप्रैल को थानागाजी विधायक कांति मीणा ने SDM को पत्र लिखकर भूमि आवंटन आदेश और कब्जा दिलाने के लिए निर्देश दिए। 25 अप्रैल को राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले में SDM केशव मीणा को सरकार ने निलंबित कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि निलंबन के बाद भी SDM ने आवंटन का लाभ कई लोगों को प्रदान किया और इसके पक्ष में पूरे मामले में जांच अधिकारी लगाए गए। IST रविकांत को तथ्य भी प्रस्तुत किए गए और साथ ही मुख्यमंत्री को दी गई शिकायत में ये आरोप भी लगाए कि स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी ने डमी अभ्यर्थियों के नाम जमीनें अलॉट करा ली जो असल में उनकी जमीनें हैं और खातेदारी मिलने के बाद आवंटियों से प्राप्त कर ली जाएगी। हम तो माननीय CM साहब से निवेदन करते हैं कि जो भी आवंटन किए गए हैं वो सारे गैरविधिक हैं। ये भूमिहीन को, स्थानीय पंचायत को, यहाँ के लोगों को तो बहुत कम किए गए हैं, बाहर की तहसीलों को, बाहर की पंचायत को, बाहर के जिले को, यहाँ तक कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो माइंस वाले लोग हैं, जो सरकारी नौकर हैं, उन लोगों को आवंटन किया गया है और हम जो बैगेट में जो आवंटन किया गया है उसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं। शिकायत के बाद अलवर कलेक्टर ने SDM राजगढ़ और ADM से मामले की जांच कराई जिसके बाद 10 आवंटनों को निरस्त कर दिया गया और बाकी को नोटिस दिए गए ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। लेकिन नोटिस की मियाद पूरी हो चुकी है, अब मामले की जांच SOG भी कर रही है। आरोप ये भी है कि सरिस्का टहला गेट के अंदर होटल से लगते पहले ही पार्क बनाए गए स्थल को भी आवंटित किया गया। हम तो पुनः CM साहब से निवेदन करते हैं कि हमारे जिला कलेक्टर को फ्री हैंड छोड़ा जाए। हमको कुछ दबाव महसूस हो रहा है कि जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें बचाने में, आवंटन को रिस्क करने से बचाने के लिए अपनी जान लगा रखी है। संबंध में कलेक्टर साहब ने भी दो जांचें कराई है, एक SDM से कराई है, एक ADM से कराई है, वो जांच की भी हमने देखी है। फिर आज मैं मौके पे जो है क्या स्थिति है वो देखने आया हूँ। राजगढ़ SDM ऑफिस में भी कुछ लोगों से मिला, वहाँ के लोग कुछ शिकायत करता थे और टहला तहसील में भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी अपनी शिकायत करी और टहला तहसील में कुछ सरपंच भी आए थे, वो दूसरी पक्ष वाले थे तो वो कह रहे हैं कि हाँ सब सही हुआ है। अलवर में जमीनों को जिन प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, दोषी माने गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन जिस SDM पर गड़बड़ झाले का आरोप है उसे थानागाजी में SDM लगाया गया है और साथ ही उसके चचेरे भाई को टहला में तहसीलदार लगाया हुआ है। लोगों की मांग है कि दोनों अधिकारियों का अलवर से स्थानांतरण किया जाए और तभी सही जांच हो पाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच SOG को सौंपी है। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अलवर।